वो क्यों लोगों को पैसे बांटता रहता है मुझे नहीं समझ में आता। अरे चमकानंद चाची, अपनी शक्ल तो सो देख गाइस के यार, आप सभी को तो पता ही होगा कि अभी तेलका प्रैंक और चंद्रिका दीक्षित के बीच में कंट्रोवर्सी हो रखी है। जबकि ये वाली कंट्रोवर्सी चंद्रिका दीक्षित ने ही शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं तेलका प्रैंक को कभी जिंदगी में देखना नहीं चाहती हूँ। इसी चीज का रिप्लाई भी उन्हें तेलका प्रैंक और उनकी पत्नी दीपिका आर्या ने भी दिया था। लेकिन अभी इसी चीज पर तेलका प्रैंक की एक फ्रेंड ने भी रिप्लाई दिया है और उन्होंने बड़ा पाव गर्ल को रोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा। आप बता देना चाहती हूँ, वो क्यों लोगों को पैसे बांटता रहता है मुझे नहीं समझ में आता। वो सिर्फ व्हाट अ रिस्पेक्ट। हाँ देखो, पैसा बांटने के लिए भी ना जिगर चाहिए होता है, जो कि तेरे अंदर नहीं है, क्योंकि तू तो 50 रुपए का वड़ा पाव के लिए इतना रो रही थी जो तूने खिलाया था। वो तब मेरे पास आया, एक थी यार लड़की, वो फेमस हो रही है जिसके पास वीडियो बना के। क्या बोली? फेमस थी इसलिए वो आया तेरे पास। अरे चमकानंद चाची, अपनी शक्ल तो देख के बात किया कर कम से कम। कितनी गंदी घटिया बातें निकालती है अपने मुंह से, कितनी करेक्शन करूं मैं। भाई साहब, इसको चाहिए मुद्दा, क्योंकि इसको तो लात मार के निकाल दिया बिग बॉस ने। अब ये कुछ ना कुछ शिकार ढूंढ रही है। इस वक्त तेलका भाई आए थे ना इसके पास, तब तो ये बड़ी खुश हो गई थी, हाय तेलका आ गए, हाय अब तो मेरी रेडी को और प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छा आ गए। और अब एहसान फरामोश। अरे चमकानंद, बड़े तल्ले जाके बड़े बड़ों का क्या हो रहा है? तो भाई जान, आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहना चाहते हो, और क्या बड़ा पाव गर्ल को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी और न्यू अपडेटों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।